subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. YouTube चैनल फिनोइच पे टाटा स्टील के शेयर में एक गिरावट के बाद अभी ऐसा लगता है कि ये शेयर जो है रिटर्न दे सकता है, अभी रिटर्न दे सकता है। यहाँ पे एक टारगेट प्राइस भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, एक ऐसा शेयर है जहाँ पे हम लोग होल्ड करेंगे तो अच्छा खासा रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से टाटा स्टील के शेयर का क्या टारगेट प्राइस होना चाहिए, वो टारगेट प्राइस जो है मतलब अभी खरीदना है क्या करना है, वो सब इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करने की कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, केपी स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे, अगर आप एक ऑनलाइन ग्रोसरी एप्लीकेशन देख रहे हैं जहाँ से आप ऑनलाइन ग्रोसरी जो है मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, तो उसके लिए स्नैपसी करके एप्लीकेशन है, SNAPSY, आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा, या फिर snapsy.in करके भी वेबसाइट है वो भी देखने को मिल जाएगा। इनका खासियत यही है दोस्तों कि ये जो कंपनी है आपको हर एक प्रोडक्ट पे कैशबैक देता है डिस्काउंट के साथ, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जो है आपको सर्विस देखने को मिल जाता है। लिंक हम लोगों ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया है, ज़रूर एक बार देख सकते हैं। आपको अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसको लेके आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अभी स्टॉक की बातें। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने एक साल का ग्राफ लगाया, ये जो टाटा स्टील का शेयर है इसका एक साल का ग्राफ लगाया। एक साल पहले स्टॉक का प्राइस आप देख सकते हैं 1122 रुपया चल रहा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1122 रुपये का ये शेयर जो है चल रहा था एक साल पहले, और अभी उससे ज़्यादा है स्टॉक का प्राइस जो कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब आपकी अभी जो है 1000 के आसपास ये शेयर चल रहा है। तो ये जो शेयर का प्राइस था एक साल पहले का, उससे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा गिरावट बना है। और एक साल के प्राइस में से भी अगर देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे लगभग जो है मतलब बोल सकते हैं कि 100 रुपये के ऊपर जो है शेयर में एक गिरावट बनता हुआ दिखा है, जो कि 1122 रुपये के आसपास चल रहा था 1122, और अभी यहाँ पे शेयर का प्राइस चल रहा है 1067। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गिरावट बनता हुआ दिखा है इस शेयर में। आगे हम लोग अगर इस शेयर में होल्ड करते हैं आगे, तो यहाँ से ज़्यादातर ब्रोकर्स का मानना है कि आपको एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे एक साल के अंदर का जो प्राइस देखने को मिल रहा है 1122 रुपये से शेयर अभी 1062-63 रुपये में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे जो एक साल का प्राइस है लगभग उसी के आसपास ये शेयर है अभी। एक साल के अंदर का जो बोल सकते हैं कि हाई प्राइस दिया है शेयर ने, तो वो आप देख सकते हैं एक साल के अंदर का जो हाई प्राइस दिया था दोस्तों स्टॉक ने वो था 1519.40 पैसे का, 1500 के ऊपर का ये शेयर पहुंच गया था, 1500 के ऊपर ये शेयर पहुंचा है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ से किसी ने स्टॉक खरीदा तो यहाँ पे लगभग 450 रुपये के आसपास उनको गिरावट बनता हुआ दिखा है शेयर में। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट बना था बीच में, ये स्टॉक जो यहाँ पे बोल सकते कि एक तेज़ी भी दिखाया था जो कि शेयर 1200 के आसपास पहुँचा था, 1253 रुपीज़ के आसपास, उसके बाद स्टॉक में जो यहाँ पे गिरावट बना। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक में हम लोगों को गिरावट बनता दिखा है एक साल के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर किसी ने शेयर खरीदा है तो उनको एक बहुत ज़्यादा गिरावट बनता हुआ दिखा रहेगा। तो अभी बात आता है कि अगर हम लोग ये शेयर अभी होल्ड करते हैं, अगर किसी ने अभी ये प्राइस में भी लिया है, या फिर अगर बोलते हैं कि जो है ये स्टॉक का प्राइस जो 1500 के आसपास भी लिया है, ये स्टॉक का प्राइस कब तक देखने को मिल सकता है? तो दोस्तों ज़्यादातर ब्रोकर्स का जो मानना है कि अगर हम लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं तो हो सकता है कि आपको 1400 के आसपास देखने को मिले, 1500 के आसपास शेयर पहुँचने के लिए थोड़ा यहाँ पे आपको ज़्यादा होल्ड करना पड़ सकता है। फिलहाल जो यहाँ पे हम लोगों को अपडेट देखने को मिला है उसके चलते अगर बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको 1400 के आसपास या फिर 1420 रुपये 25 रुपये के आसपास आपको ये शेयर देखने को मिल जाए। तो इसको भी हम लोग आगे जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए अब इसको लेके बाकी का इन्फॉर्मेशन देखते हैं स्टॉक को लेके। तो दोस्तों अभी जो टारगेट प्राइस है टाटा स्टील का वो आप देख सकते हैं, सेंट्रम ब्रोकिंग हैज बाई कॉल ऑन टाटा स्टील विद टारगेट प्राइस ऑफ 1492। द करंट मार्केट प्राइस हम लोगों ने देखा है अभी यहाँ पे, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि जो टारगेट प्राइस हमेशा देखना चाहिए कितना दिन में वो टारगेट प्राइस हिट होगा, तो टाइम पीरियड गिवन बाय एनालिस्ट इज 1 ईयर व्हेन टाटा स्टील लिमिटेड प्राइस कैन रीच द डिफाइंड टारगेट प्राइस। तो अभी जो स्टॉक का प्राइस है 1000 रुपीज के आसपास, तो यहाँ से भी अगर हम लोग खरीदारी करते हैं हो सकता है कि एक साल के अंदर ये शेयर 1492 रुपये के आसपास 1492 रुपीज के आसपास देखने को मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आपको टाटा स्टील के शेयर में जो है खरीदारी करना चाहिए फिर सेल करना चाहिए। फिलहाल स्टॉक का जो ये प्राइस है उस प्राइस में अगर खरीदेंगे तो हमें लगता है कि यहाँ से एक रिटर्न देखने को मिल सकता है, और जिसके पास शेयर है ज़्यादा प्राइस में लेके रखा है ज़रूर होल्ड करना चाहिए। रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप शेयर खरीदते या बेचते हैं तो खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए दोस्तों शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। आशा करते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब